एकलव्य महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसके बारे में कौन नहीं जानता, यानी कि गुरु दक्षिणा के रूप में अगर सबसे पहला नाम आए तो वो एकलव्य का ही आएगा कि जिन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य को इतनी बड़ी भेंट दी कि उसके बाद वे जिस चीज़ के लिए सबसे महान थे, यानी कि जो गुण उनके अंदर था उस गुण के वे लायक ही नहीं रहे। दोस्तों, इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनके साथ छल किया कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उनसे कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली जिसके बाद एकलव्य अपने अंदर के गुण को कभी दर्शा नहीं पाए। तो दोस्तों, आज हम इसी तरह एकलव्य के बारे में जुड़ी पूरी कहानी को जानेंगे। वैसे तो आपने महाभारत देखी ही होगी और महाभारत में एकलव्य के कहानी के बारे में आपको थोड़ी बहुत दिखाई गई होगी, लेकिन दोस्तों आज हम एकलव्य के जीवन से जुड़े हर पहलू हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि एकलव्य की कहानी आदिवासियों से किस प्रकार जुड़ी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एकलव्य को आदिवासियों का राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एकलव्य महाभारत का एक पात्र था। वह राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युम था। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेर राज्य के शासक बने। आमत्य परिषद की मंत्रणा से उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचालन किया बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित कर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। दोस्तों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर स्वीकार नहीं किया। निषाद पुत्र का अर्थ है दोस्तों जो नीचे जात के लोग होते हैं, यानी कि दोस्तों पुराने काल में धनुर्विद्या और शिक्षा उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो राजाओं के बेटे होते थे और नीचे जाते के लोगों को इन सभी का आदेश नहीं था। लेकिन इसके उपरांत भी एकलव्य धनुर्विद्या सीखने में कहीं आगे पहुंच गए थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से अस्वीकार किया, इसके बाद एकलव्य वन चले गए और उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्रचित से साधना करते हुए बहुत ही कम समय में वह धनुर्विद्या में अत्यंत गुणी हो गए। एक दिन पांडव और कौरव गुरु द्रोण के साथ उसी वन में गए जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कौशलता से अपना बाण चलाया कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य यह धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की। यानी कि दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति से ही एकलव्य ने इतनी ज़्यादा धनुर्विद्या प्राप्त की। तो दोस्तों, इसके उपरांत यह हुआ कि गुरुद्रोण ने देखा कि एकलव्य को उन्होंने धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, लेकिन इसके उपरांत भी एकलव्य पांडव और कौरव से ज़्यादा धनुर्विद्या में कौशल बन गए थे। इसी बात को लेकर गुरुद्रोण के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि इस बालक को मैंने सिखाया भी नहीं और इसने इतनी ज़्यादा धनुर्विद्या सीख ली, वो भी सिर्फ मेरे मूर्ति से, और जबकि एकलव्य नीची जाति के थे। तो दोस्तों, इसी कथा के अनुसार गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया। दोस्तों, इसका एक अलग सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को बहुत ही ज़्यादा धनुर्विद्या
में अति मेघावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दे दिया। दोस्तों कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने तर्जनी और मध्यम अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगे। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ और आज तक इसी तरीके से तीरंदाजी की जा रही है। दोस्तों महाभारत के अनुसार कहा भी जाता है कि एकलव्य के जितना धनुर्विद्या पांडव और कौरवों में किसी के पास नहीं थी और एकलव्य के बाद ही अर्जुन उनसे ज़्यादा तीरंदाजी में महारत हुए। तो दोस्तों इस कथा के अनुसार आप यह समझ सकते हैं कि किस तरह से आदिवासियों और नीची जातियों को पुराने काल से ही ठगा जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों एकलव्य में धनुर्विद्या सीखने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी और उनके अंदर यह गुण भी था, लेकिन उन्हें एक निषाद पुत्र यानी कि नीची जाति होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह विद्या नहीं दी। लेकिन इसके उपरांत भी उनके अंदर इतनी लगन थी कि उन्होंने सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य के मूर्ति से ही इतनी ज़्यादा धनुर्विद्या की गुण प्राप्त किए। तो दोस्तों यह थी एकलव्य के गुरु भक्ति की कहानी। तो दोस्तों इसके बाद से ही एकलव्य आदिवासियों के राजा कहलाने लगे। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एकलव्य के साथ सही हुआ या गलत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं होते यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।